जमुई लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने के बाद एनडीए प्रत्याशी चिराग पासवान ने इसके लिए जमुई की जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जनता की जीत है। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर में मोदी की लहर नहीं सुनामी चल रही है, जिस कारण विपक्षियों को जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। गौरतलब हो कि चिराग पासवान को कुल 5,29,134 मत पड़े, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी और गठबंधन के प्रत्याशी भूदेव चौधरी को 2,88,085 वोट मिले। इस तरह चिराग पासवान 2,41,049 वोटों से विजयी घोषित हुए। सन्मार्ग के लिए जमुई से अर्जुन अनरव की रिपोर्ट। नहीं हूँ, पूरी जमुई लोकसभा की जनता है, हर वो व्यक्ति है जिसने अपने आप को चिराग पासवान समझकर, अपने आप को नरेंद्र मोदी समझकर देश के विकास के लिए जनमत दिया। और खास तौर पर एनडीए के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं ईमानदारी से इस बात को बोलूँगा, हर एक कार्यकर्ता ने अपनी तरफ से पूरी ईमानदार प्रयास किया। मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग नेता लोग सबसे पीछे थे, कार्यकर्ता उनसे आगे और जनता सबसे आगे। तो जो जिस तरीके का यह जनादेश आए कि ऐतिहासिक जनादेश, दोबारा एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, मुझे लगता है इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि दो दो बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। और जिस तरीके से एनडीए का प्रदर्शन रहा है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हम लोग को मजबूती से साथ मिला, लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे नेता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी का और हर एक कार्यकर्ता का, जिसने दिन रात ईमानदारी से रातों रात हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है। और ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को और हमारे तमाम पूरे के पूरे जम्मू वासियों को जाता है, जिन्होंने एक लक्ष्य लेके चले थे कि पुनः विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी को पुनः देश का प्रधानमंत्री। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।